हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। आज हम करने जा रहे हैं ज़ेड्रॉनिक वॉर्नर बार 10 का रिव्यू। तो ये एक साउंड बार है जो कि इस तरह के बॉक्स में आएगा। तो अब यहाँ पर मैं इस बॉक्स की पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से आपको दिखेगा और फिर इसके मैं आपको फीचर्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी दूंगी। तो चलिए इसको अब हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है, इसकी पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से आई है। अब देखिए पूरी साइड में भी थर्मोकोल लगा हुआ है और पॉलिथीन वगैरह इसके अच्छे से लगा हुआ है, सो दैट इट कैन बी सेफ। तो अगर हम यहाँ पर स्पीकर्स की बात करें तो ये इतना बड़ा साउंड बार जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ जो अटैच है वो अगर आप देखें तो आपको अटैच जो मिलेंगी वो आपको मिलेंगी इसकी ये ऑक्स केबल यूएसबी के साथ और एक इसके साथ ये ऑक्स केबल, ये इसके साथ ऑलरेडी अटैच है। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आप अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूएसबी है इसको आप यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे एंड इन द सेम वे इसके जो ऑक्स की केबल है वो ऑक्स में लग जाएंगे, इसके पोर्ट में लग जाएंगी। अब इसको हम ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे इसका एक सर्कल सा बटन दे रखा है, यही बटन जो है ये इसके ऑन और ऑफ का काम करता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, देखिए ये ऑन हो गया है। जैसे ही इसकी ये लाइट चलती है देखेंगे कि ये बहुत आई कैचिंग आरजीबी लाइट्स है। यहाँ पर दो बटन और दे रखे हैं या फिर हम कह सकते हैं दो पोर्ट दे रखे हैं, वन इज फॉर हेडफोन एंड अनदर वन इज फॉर योर स्पीकर। तो यहाँ पर आप इसे अगर लगाना चाहें तो हेडफोन और स्पीकर भी लगा सकते हैं। अब हम इसके डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं और इसके मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। एज पर द प्राइसेस का जो मटेरियल है प्लास्टिक का वो सही है, अपने प्राइस को ये जस्टिफाई कर रहा है। नाउ इसका सबसे बड़ा फीचर है कि ये 2-in-1 डिजाइन में आता है। नाउ इट इज लुकिंग लाइक साउंड बार, लेकिन आप क्या कर सकते हो इसको डी अटैच भी करके इस तरह से ये अटैच हो जाएगा और ये आपके दो स्पीकर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ये दो स्पीकर बन जाएंगे। यहाँ पर अब आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ दो ही स्पीकर्स हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, ये स्पीकर्स हैं, ये सिर्फ इसकी लाइट्स है, दीज आर नॉट अ स्पीकर। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि एक माइक है और दूसरा जो है वो हेडफोन के लिए यूज होता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें माइक और अपना हेडफोन भी लगा सकते हैं। तो अब इसका जो मैं मेन बात करने वाली हूँ कि इसमें अगर आप देखें तो 2 साल की आपको वारंटी मिलती है। जो इसका ऑडियो है वो बहुत ही क्लियर है, 5.08 सेंटीमीटर के ड्राइवर्स है। इसका वेट जो है वो 482 ग्राम्स है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत हैवी नहीं है, बहुत ही हल्की है, 482 ग्राम्स का इसका सिर्फ वेट है। सो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ दीज स्पीकर्स और द साउंड बार्स। इनको अटैच करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट यू हैव टू लाइक दिस, यू कैन अटैच दिस। तो दिस इज अ वंडरफुल थिंग विच यू कैन इंजॉय एंड इफ यू आर वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन द हाई साउंड देन यू कैन इजिली यूज दिस स्पीकर्स एंड दिस कैन बी अटैच विद योर लैपटॉप, विद योर डेस्कटॉप एज वेल एज विद योर टीवी। तो आप इनको तीनों के साथ बड़े आराम से अटैच कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको इसके अच्छे फीचर्स के बारे में बताए, लेकिन क्योंकि हम ट्रू रिव्यू देते हैं और जो चीज़ मैंने यूटिलाइज की है मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करती हूँ। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 1500 रुपीज़ का ये प्राइस है और उसके हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ किससे अटैच हो सकता है, आपके यूएसबी केबल के साथ ही अटैच हो सकता है। बट इस प्राइस में आपको बहुत सारे स्पीकर्स जो है वो ब्लूटूथ वाले भी मिल जाएंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको जब भी अटैच करना है यू मस्ट हैव टू यूज यूएसबी, आप इसको कहीं दूर से ऑपरेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, इसमें आपको कोई भी बैटरी सिस्टम नहीं दिया गया, यानी आपको इसको हर बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ ही अटैच करना पड़ेगा। तो ये मुझे इसमें एक बुराई लगी। अब हम इसकी साउंड को चेक कर लेते हैं जिसके लिए ये बनाया गया है और जिसके लिए हम रिव्यू दे रहे हैं। तो देखिए अब मैं इसकी साउंड आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो इसकी साउंड है ये देखिए, तो अगर हम इसके साउंड के बारे में बात करें तो इसके मिड्स जो है वो बहुत
बहुत ही अच्छे हैं, इट्स ए वेरी गुड क्वालिटी। और इसके जो ट्रेबल्स हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बास इसका डिसेंट सा है, कोई ज्यादा नो हाई नो लो, इट्स डिसेंट। और इसकी जो लाउड है आप देखिए ये कितनी हाई वॉल्यूम तक आप इसको कर सकते हो। तो अगर अच्छी घर में पार्टी है तो आपका ये पूरा काम जो है वो बड़े स्पीकर्स का काम जो है बड़े आराम से कर देगा। इसके सबसे बड़ा जो मुझे नुकसान दिखा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो इसका सबसे बड़ा कॉन मुझे दिखा वो क्या है कि जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसकी आवाज़ जो है वो फुल वॉल्यूम पर कर दी तो इसका इसकी आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होने लग गया, आवाज़ जो है वो फटने लग जाती है। तो वो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे लगता है कि वर्कआउट होना चाहिए कि जब हम हाई वॉल्यूम पर करते हैं तो आवाज़ जो है वो थोड़ी सी फटना शुरू हो जाती है। तो वो सिर्फ मुझे इसका एक नुकसानदेह पॉइंट लगा। बाकी अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें, क्वालिटी के हिसाब से देखें और इसके प्राइस के हिसाब से, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको ज़रूर खरीद सकते हैं अगर आपको ये लग रहा हो कि आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो ये उस क्वालिटी में ये अच्छा है। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, MRP इसकी 1500 है, ऑन सेल ये आपको 1000 रुपये से लेकर 800 रुपये तक बड़े आराम से मिल जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए यू एंड मी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।